जय श्रीमान नारायण। अगली टिप्पणी जाको हम कहेंगे वह रामानुज दास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगं अवाप्स्यसि। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब का आत्मविद्या सिखावत हैं। परमात्मा कहत हैं, अर्जुन तुम्हें आत्मा के बोध प्राप्त करे के होए। हम आत्मा के अनुभूति का योग कहत हैं। आत्मा के साक्षात्कार पावे के लिए तोका का करे के चाहिए? तोका उस धर्म ग्रंथ पर अटूट विश्वास रखे के चाहिए जैसे हमें आत्मा के ज्ञान मिला है। तो का शास्त्रों में वर्णित आत्मा के ज्ञान के बारे में ध्यान से सुने चाहिए जौन आचार्यों और बड़ों द्वारा सिखावा गया है। जौन कुछ भी तो सुने है उपे गहन चिंतन या मनन करे के चाहिए और उन विचारों के स्मरण करे के चाहिए। ऐसा करे के लिए तोरे मन या दिमाग का सहयोग की जरूरत है। तोरे मन का सहयोग करे के लिए मन की कमजोरियों को दूर कर जरूरी है। जब मन या बुद्धि कमजोर होत है तो तू जानत है कि का होत है। जब तू आत्मा पे गहराई से चिंतन और मनन करे का प्रयास करा और आत्मा से असंबंधित अन्य चीज याद आवत रहे तो मन तुरंत उन चीजों के पीछे भागत है। ऐसा काहे होत है? मन की कमजोरी के कारण ऐसा होत है। तुहार बुद्धि या मन इतना कमजोर काहे है? दबाव के कारण तू इसे कमजोर बनावता है। तू अपने दिमाग पर किस चीज का दबाव डालता है? तू अपन कार्य तो करता है लेकिन करत समय उसके फल के भी इच्छा करता है। वो फल के इच्छा करब मन पर एक भयानक दबाव है। ये दबाव के कारण आपके मन बहुत कमजोर हो जाते है। तब तो का करे के चाहिए? अपने मन का मजबूत करे के लिए फल के इच्छा किए बिना अपन कार्य करा। एका हम निष्काम कर्म कह सके थे। अपने मन का मजबूत बनावे के लिए ऐसा आपका करत रहिक चाहिए। तब तू अपने आचार्य या बड़ों से आत्मा संबंधी ज्ञान के बारे में जौन कुछ भी सुने हा ओपर निरंतर ध्यान करे के स्थिति तक पहुंच जाबा। आत्मा के बारे में तू जो कुछ भी सुने यहाँ मन बिना किसी हिचकिचाहट के लगातार उस पर ध्यान करे। तब तू आत्मा के ध्यान बहुत अच्छी तरह से कर पाओगा। लगातार ध्यान करत रहे के मन के ई अवस्था का समाधि कहा जाता है। अभी तूने मन या दिमाग में कहा है आत्मा के ज्ञान जिका प्रज्ञा कहा जाता। प्रज्ञा कहाँ है? ये तोरे मन में समाधि में स्थिर रूप से स्थिर है। जब तू अपने मन में एक स्थिर शक्ति के साथ आत्मा या प्रज्ञा के ज्ञान पर लगातार ध्यान करे में सक्षम होगा तब तू स्थिति प्रज्ञ बन जाबा। यदि तू लगातार आत्मा का ध्यान करबा तो आत्मा के प्राप्ति के योग प्राप्त होए। भगवान श्री कृष्ण हम सब का आत्मा के अनुभूति प्राप्त करे के प्रक्रिया पर बहुत सारा प्यार देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पूरा निचोड़ श्री कृष्ण परमात्मा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 के 8 कर्मों में रख दिए हैं। श्री कृष्ण कहें, ये 8 बात मानने वाले पे हमार स्नेह है, ये भक्तन की हम हर प्रकार से सुरक्षा करें। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा कही पूरी श्रीमद् भगवत सुने के बाद अर्जुन कहें, करिष्ये वचनम तव, माने कृष्ण हम तोहरे कहे अनुसार ही करब। यह कारण
कृष्ण अर्जुन पे हर तरह की विजय असफलता के अनुकंपा करें। चला हमो परमात्मा के वचन दी कि हम भी ये 8 कर्म करब। ये वचन से बढ़ के कोनो पूजा तप या यज्ञ नहीं बा। हम ये 8 वचन कहब, आप सब जने एक अपने मने और बुद्धि में विचार करें। इस प्रकार श्री कृष्ण के निज वचन देत समय परमानंद से प्रकाशित श्री कृष्ण के मुखमंडल के अनुभूति भी करें। जय श्रीमन्नारायण। हमारे 8 वचन ई हैं। हमार प्रथम वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके निर्देशानुसार हम आपके ध्यान और चिंतन करब। हमारा दूसर वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपके समझाए अनुसार हम सदा आपके भक्त रहब। हमारा तीसर वचन, हम अपन सारा कर्म आपके संतोष और सेवा के लिए ही करब। हमारा चौथा वचन, जैसा आप कहें हमका पूरा विश्वास है कि हम आपके हैं और हम सदा आपका करबद्ध नमस्कार व पूजन करब। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपके कथन मामेकम शरणम व्रज अनुसार केवल आपकी शरणागत की बात कही बा। श्रीमन्नारायण, हम केवल आपके शरण में आए हैं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन्नारायण, अध्याय 18 श्लोक 66 में आपे कहे मां शुचः, मैं आपके शोक न करे के उपदेश अनुसार हम शोक न करब। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने हमरे खातिर श्रीमद् भगवद गीता दे के हम पे बड़ी कृपा की है, हम नियम से 1 श्लोक रोज सुनब या पढ़ब। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन्नारायण, आपने सारे लोग के लिए गीता दी है, जे भक्तन गीता के बारे में नहीं जानते हम उन तक आपके अलौकिक बतिया पचावे के प्रयत्न करब। अभय हम परमात्मा से अपन 8 वचन बताए। श्रीमन्नारायण कया वचन देव कि हर दिन जैसा वो कहे हैं हम वैसन करब, यह एक महान पूजा है। आवा हम अपने अडिग विश्वास के साथ उनका अपन वचन दी कि हे श्रीमन्नारायण, आप जैसा कही हैं हम वैसन करें, जैसा आप चाहिए वैसा ही व्यवहार करब और हम केवल आपे के लिए काम करब। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनम तब, माने श्रीमन्नारायण हम आपके निर्देशानुसार कार्य करब। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगं अवाप्स्यसि। ओम। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगम् अवाप्स्यसि। ओम। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सभी भक्तन से विशेष अनुरोध, हमारे जीवन में सारी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। यही की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण आश्रम पढ़ें। नारायण आश्रम प्राप्त करें के खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट
www.narayanashram.org पे जाके पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दें। आपकी ईमेल पे आपको एक नारायण आश्रम पीडीएफ तुरंत मिल जाए। पीडीएफ में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम बा, तीनों का एक साथ नारायण आश्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के इन श्लोकों के भिन्न भिन्न संयोजन प्राप्त होते हैं। जब सब 24,000 भक्तन के साथ प्रतिदिन अपने नारायण आश्रम का पढ़त हैं या सुनत हैं, तो संपूर्ण रामायण पारायण के एक माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण के 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पारायण के 24 माला प्रतिदिन पूरी होत। एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करे से निकलत। एक के लिए आप और आपके परिवार वाले तुरंत जाके अपन नारायण आश्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।